नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 17 अगस्त सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण मास से शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज की प्रतिपदा है और आज का वार है गुरुवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो मघा नक्षत्र शाम 7:59 तक है, फिर आगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। योग परिग है, शाम 7:59 तक आगे शिव योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ नहीं है। कोई अच्छा कार्य कर रहे थे, कोई रिश्ते की बात कर रहे थे, बिजनेस डील कर रहे थे, तो दिन को टाल दीजिएगा। करण भव है, शाम 5:37 तक आगे किनस्तुग्ना करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:58 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:02 का है। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच है, इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है और लंबी यात्रा पर नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:04 से 12:56 के बीच में है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं सुबह 10:20, सुबह 11:12, दोपहर बाद 3:33, 4:25। आज का दिशाशूल दर्शकों दक्षिण दिशा में, तो पहली कोशिश तो यही रहेगी कि दक्षिण दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है, दक्षिण की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा दही जीरा खाइए, 5 कदम पीछे चलिए, भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान कीजिए और फिर इस यात्रा पर निकल जाइए। यात्रा बहुत अच्छी रहेगी, कार्य सिद्ध होगा, दिशाशूल आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 11:00 से दोपहर 1:30 बजे तक, फिर शाम 5:30 से रात्रि 9:30 तक। बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ये दोनों समय काल ज़्यादा शुभ है। अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं तो समय का ध्यान रखते हुए करें, चांसेस रहेंगे कि आप सफल हो जाएं। आज की चंद्र राशि दर्शकों सिंह है, यानी चंद्रमा सिंह राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले छात्र छात्राओं के लिए योग कारक है आज का ये दिन। वहीं वृष राशि वालों को अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है और मिथुन राशि वालों को एक मजबूत सहयोग आज मिलेगा। वहीं कर्क राशि वाले किसी पुराने निवेश से पा सकते हैं लाभ। और सिंह राशि वालों को आज अपने अति आत्मविश्वास पर रखना है नियंत्रण। कन्या राशि वालों से आज कोई बड़ी गलती हो सकती है तो ध्यान रखें। तुला राशि वालों की कोई पुरानी मनोकामना पूरी होती हुई दिख रही है। वहीं वृश्चिक राशि वालों को कार्यालय में मिलेगा जबरदस्त समर्थन और प्रोत्साहन। ऐसे ही धनु राशि वाले लगातार सफलता प्राप्त करेंगे, आज बहुत अच्छा दिन है। मकर राशि वाले वाहन चलाने में रखें सावधानी, विशेष करके शाम बाद। और कुंभ राशि वाले अविवाहितों की रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी। और मीन राशि वाले पाएंगे ननिहाल पक्ष से लाभ। अब बात करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा पर, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन में से समस्याओं को बाहर निकाल देते हैं और आपको सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, मानस में एक बहुत ही सुंदर सोरठा है जिसे आज हम समझते हैं। ये इस प्रकार है कि जलुपय सरिस बिकाई देखो प्रीति की रीति भली, बिलग होई रसु जाई कपट खटाई परत पुनी। इसका अर्थ ये है कि प्रीति यानी प्रेम की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलके दूध के समान भाव में बिकने लगता है, लेकिन फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और दूध फट जाता है और साथ ही स्वाद यानी कि जो प्रेम था वो भी चला जाता है। तो जहाँ प्रेम हो, आपसी प्रीति हो, जो आपसे स्नेह रखता हो, विश्वास करता हो, उसके प्रति भूल कर भी मन में कपट भाव नहीं आना चाहिए। वरना जो प्रकृति है, जो भगवती है, जिसे हम अपने आप को मानते हैं, अपनी भगवती मानते हैं, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, वो न्याय अवश्य करती है और आपको उस निर्मल मन के जीवन से उठाकर बाहर फेंक देती है। तो अपने जीवन में एक आचरण में एक सिद्धांत बनाइए कि हम किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। आपने ये सिद्धांत बना लिया तो कभी आपके साथ भी जीवन में धोखा नहीं होगा, क्योंकि जो न्याय व्यवस्था है जो प्रकृति की, वो आपको संतुलन में बनाए रखती है। जैसा आप करेंगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के समाधान सरलता से कर देते हैं, जिन्हें करके आप असफलता को, अड़चनों को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से, कॉन्फिडेंस से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिनका जन्मदिन है, आज आप सुबह 10:15 से 11 बजे के बीच में भगवान शिव जी पर केसर मिला हुआ जल और चंदन का इत्र अर्पित करें और शिव महिम्न स्तोत्र के मंदिर में बैठकर पाठ करें या सुन लें।
इसके बाद में शाम 7:30 के बाद में किसी गौशाला में जाकर एक निश्चित धनराशि अपने इष्ट का स्मरण करते हुए दान कर दें तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुख शांति से आनंद से बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों जिनके जन्म पत्रिका में गुरु ग्रह निर्बल या पाप पीड़ित हों, या वो कन्याएं जिनके विवाह में अनावश्यक विलंब हो रहा हो, या वो युवा जिनको सही मार्ग जीवन में नहीं मिल रहा हो, तो ऐसे में आज भगवान शिव जी की खास विधि से पूजा करें और उनको प्रसन्न करें और साथ साथ उनके साथ साथ गुरु ग्रह का भी आप आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके लिए आज आप भगवान शिव जी पर चंदन और केसर का इत्र अर्पित करें, केसर मिले हुए जल से अभिषेक करें, चंदन घिसकर उससे बिल्व पत्र पे ओम लिखें और वो बिल्व पत्र शिवलिंग पर अर्पित कर दें। ऐसे 11 बिल्व पत्र आपको अर्पित करने हैं और इसके बाद में सारी प्रक्रिया के बाद आप 4 माला इस मंत्र की वहाँ बैठ के करें। मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः। फिर माता पार्वती को पीले वस्त्र अर्पित करें, भोग धूप दीप से पूजन करें और बहुत ही विशेष मंत्र का जाप करें 27 माला। ये मंत्र है इस प्रकार से, ध्यान से समझिएगा, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। दर्शकों आज से ही भगवान महादेव और गुरु ग्रह का अनुग्रह आपको मिलने लगेगा और बहुत सी ग्रह जनित समस्याओं से आप बाहर आने लगेंगे। ऐसे दर्शकों यदि आप धन की कमी से परेशान हैं, कर्ज से भी समस्याएं बढ़ रही हैं, तो आज एक छोटा सा उपाय आप करें तो इन समस्याओं से आप बाहर निकल जाएंगे। करना सिर्फ ये है कि एक 14 मुखी रुद्राक्ष रक्त वर्णी पुष्पों के मध्य रख के, यानी लाल फूलों के बीच में रखें 14 मुखी रुद्राक्ष को, पंचामृत से उसको स्नान करवाएं और उसके सामने 11 माला श्रीम की करें, यानी श्रीम श्रीम इस प्रकार से 11 माला जाप करें और उसे काले धागे में गले में धारण कर लें और फिर नित्य ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इसकी एक या अधिक माला आप जाप करते रहें। इसके साथ साथ यदि आप भगवान शिव जी पर नित्य गुलाब की 27 पंखुड़ियाँ जिन पर चंदन या अष्टगंध से आपको श्रीम लिखना है, ये लिखकर शिव जी पर अर्पित करते रहते हैं, बहुत बड़ा लाभ होगा आर्थिक रूप से। आप देखेंगे चमत्कार होगा आपके जीवन में, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। ऐसे जिन अविवाहित कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो, आज से एक अमोघ उपाय करें और इस समस्या से निजात पाएं। करना सिर्फ ये है कि आज अपने हाथ से 11 बेसन के लड्डू बनाएं, साथ में 11 घी के दीपक ले लें, एक सहरे पर लगने वाली जो कलगी होती है, यानी जो दूल्हे के सहरे पर कलगी लगती है, वो लेकर विष्णु जी के मंदिर जाएं, भगवान को लड्डुओं का भोग लगाएं, 11 दीपकों को वहाँ प्रज्वलित करें जिनमें से एक दीपक ऐसा हो जो लंबे समय तक चले, और वो जो कलगी है वो भगवान विष्णु जी को अर्पित करें वहीं बैठे मंदिर में और 11 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। छोटा सा उपाय है, निश्चित रूप से योग्यतम वर की शीघ्र से शीघ्र आपको प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो दर्शकों ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपकी बहुत बड़ी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं, समस्याओं से आपको बाहर ला रहे हैं। बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक अनिरुद्ध जी की दिल्ली से। 5 दिसंबर 1996 का इनका जन्म है, शाम 6:12 दिल्ली। प्रश्न किया है लव और अरेंज मैरिज एंड वेन, यानी कब होगी शादी और लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। देखिए अनिरुद्ध जी, आपका मिथुन लग्न है, कन्या राशि है, लग्नेश सप्तम भाव में यानी विवाह भाव में सप्तम के अधिपति गुरु के साथ विराजमान है, पंचमे शुक्र पंचम में ही है, साथ ही साथ शनि की दशम दृष्टि विवाह भाव यानी सप्तम पर है। ये सारी स्थिति बता रही है कि ये तो तय है कि आपकी लव मैरिज ही होगी। अब आपका विवाह योग जो है वो नवंबर सन 2023 से अप्रैल 2024 के बीच में है, तो उस वक्त आपका विवाह भी हो जाएगा। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक रवि चौधरी जी की, राजगढ़ चूरू से। 10 मई 2001 का इनका जन्म है, रात्रि 10:16 राजगढ़। जॉब किस फील्ड में होगी, कब तक मिलेगी। देखिए रवि जी, आपका धनु लग्न है, धनु लग्न में चंद्रमा बैठे हैं तो धनु ही राशि है। आपकी पत्रिका में लग्नेश गुरु कर्म अधिपति बुध और धन अधिपति शनि की स्थिति दर्शा रही है कि जन्म स्थान से दूर रहकर ही आपकी प्रगति होगी। उच्च का सूर्य है, उच्च का शुक्र है आपकी जन्म पत्रिका में, ये राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। आप बैंक की तैयारी कीजिए, सरकारी बैंक में आपकी नौकरी लगना तय है। सन 2026 में आपकी नौकरी लगेगी, तो उसके लिए आप तैयारी कीजिए। तो दर्शकों ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया इसे अपने जीवन में उतारेंगे, धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा।
मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। साथ ही एक निवेदन कि श्रावण मास चल रहा है, वृक्षारोपण करें ताकि जो प्रकृति भगवती इनकी सेवा हो सके, अपने जीवन को इस तरीके से आप संवार लीजिए। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति।